अगली खबर गया से है, जहां फाल्गुन नदी में पानी कम होने के चलते व्रतधारियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस घाट पर लाखों की संख्या में व्रती आती है, लेकिन इस वर्ष रबर डैम बनाने से ब्रह्माणी घाट पर नदी में पानी नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, जिसके वजह से भगवान सूर्य को अर्घ देने में भी परेशानियों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निवर्तमान पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने बताया है, इस समस्या को लेकर हमने जिला अधिकारी से बात किया था, लेकिन जिला अधिकारी के द्वारा किसी भी तरह का सहायता नहीं किया गया, जिसके बाद हमने घाट पर 3-4 की संख्या में कुंड का व्यवस्था करवाया है, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जिस दिन रबर डैम का शिलान्यास होना था, उस दिन भी हम लोग धरना के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे थे कि गया जिला के शहरवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ बित्तों में बियर बांध बनने से है। लेकिन लगातार 30 वर्षों से बित्तों बियर बांध के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। सरकार एक बार नहीं, कई बार घोषणा है कि कांग्रेस के रीजन में भी एक बार घोषणा हुई कि फल्गु में कंडी बित्तों बियर बांध का निर्माण होगा। रेडियो से अनाउंस हुआ, लोग सब सोचे कि अब बनेगा। हमें घाटे हैं और इस छठ महापर्व के पे सरकार का जो कहना था कि पूरे विश्व के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और छठ महापर्व में काफ़ी मनो घाटे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे, पूरे शहर का देहात के भी लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का दावा था कि रबर डैम बनने से यहाँ जो फल्गु नदी का जो अभिशाप है उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। रबर डैम बनने से फल्गु नदी का जो पानी रोका गया, उस पानी से बदबू आना शुरू हो गया है। लोग जो समझ रहे थे कि इससे जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर में भी अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि एरिया बहुत कम है। अगर यही जलस्तर कंडी से लेकर के यहाँ तक होता तो निश्चित रूप में शहर का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता। खर्चा दे दीजिए। मैं रंजन पासवान, बित्तों बियर बांध संघर्ष समिति, चाकन गया। कल हम लोग शिविर लगाते हैं और फल चाय पानी का व्यवस्था करते हैं। यहाँ अवर पानी की सुविधा नहीं है, ना के बराबर है, पानी उस पार की ओर जा रही है। रबर डैम बनने से बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी नहीं हम लोगों को मिल रहा है छठ व्रतियों के लिए, इसका व्यवस्था किया जाए। जब बन रहा था तो आप लोग विरोध क्यों नहीं किए थे? रबर डैम बनने से हम लोग को था कि पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन पानी अभी तक छोड़ा नहीं गया है। छोड़ दिया जाता तो पानी यहाँ काफ़ी आ जाती। जिला प्रशासन को नहीं बोले आप लोग? बताए थे, कल DSP साहब भी आए थे, SDO साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई थी, वो लोग भी बोले थे कि छोड़ दिया जाएगा। लेकिन DM साहब को कल जाएगा, DM साहब से नहीं बात हुई थी, SDO साहब ने कहा कि किसी कीमत पर पानी नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो वो तो उनकी बात है, वो ही पदाधिकारी हैं। कैसे लोग अर्घ देंगे? आगे पीछे है पानी तो उसी में देंगे। उनसे करबद निवेदन करना चाहता हूँ कि अविलंब आज शाम का अर्घ प्रदान होना है और नदी में पानी जो है वो बिल्कुल नाले का पानी बह रहा है। अगर उनकी थोड़ा सा अगर ध्यान इस पर आकृष्ट हो और वो अगर पानी छोड़वा देते हैं तो हम पूरे गयावासी उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे और निवेदन करेंगे कि वो पानी छोड़ दें, तो कम से कम हम लोग जो है ये महान पर्व जो है वो बेहतर तरीके से करें। अच्छा, पानी नहीं छूटता है डैम से तो क्या परेशानियाँ होगी? परेशानियाँ ये होगी कि इतनी ज़्यादा अधिक भीड़ होगी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रशासन के पास भी ये इसका जवाब नहीं होगा कि हम इसे कैसे और कहाँ अर्घ प्रदान करने के लिए इनको हम जगह दे सकें। ये मेरा अपना दावा है प्रश्न। अगर उनको यकीन ना हो तो वो सुबह में आकर के ब्रह्मणी घाट पिता महेश्वर आप रो करके दिखा दें आदमी को और किस तरीके से आपके प्रति बेहतर बोलता है वो भी आप देख लें। अच्छा, रबर डैम बनने के पहले इस समय छठ के वक्त, छठ के पर्व के समय पानी इसमें रहता था? जिस समय यह इसके पिछले साल तक पानी रही है, रबर डैम से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, रहा है तो घुटने तक रहा है पानी, लेकिन कंटिन्यूस पानी रहा है छठ पूजा के समय में। और इस वर्ष मात्र इस तरह का देख करके दिल तो कांपता है, पता नहीं इस तरह का माहौल क्रिएट करने में
अब उनको क्या लाभ मिलेगा अगर पानी अगर छोड़ देते हैं, तो कम से कम हम सभी तो बेहतर तरीके से बर्क प्रदान कर सकेंगे। लेकिन जैसा उनका हमने ये सुना है कि मैं पानी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी कई पदाधिकारियों से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि नहीं, वो पानी छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन हमारा निवेदन है कि वो पानी छोड़ें ताकि